हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास का, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि राजस्थान में किस तरीके से जन जागृति हुई, ठीक है, किस तरीके से जनता में जो है नव चेतना आई और उनमें ये भावना आई कि हमें जो है वो हमारे लिए, हमारे हक के लिए जो है लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो बहुत सारे जो नेता थे जिन्होंने राजनीतिक संस्था जो है उनकी स्थापना की और आगे लेकर आए हर चीज़ को, और जहाँ जहाँ पर लोगों के साथ, जनता के साथ जो भी अत्याचार हो रहा था उसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है लेकर आए, ठीक है। और इस तरीके से है आगे चल के राजस्थान में जो है प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को जो है तीन चरणों में विभक्त किया गया है। पहला चरण 1927 से पहले का है, दूसरा 1927 से 1938 का है और तीसरा 1938 से 1949 का है। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था, ठीक है। तो पहला चरण जो कि 1927 से पहले का है, तो इस ये किस पर केंद्रित था? सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर, जो भी समस्याएं थी जनता की उस पर आधारित था। और जो दूसरा चरण था 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई यहाँ, और 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? 1938 में प्रस्ताव पास कर देसी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 ईस्वी के बाद विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई। तो पहले चरण में जो है किसकी बात की गई? सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था, जहां पर लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको जो है सामने लाया गया, ठीक है। 1927 ईस्वी में जो है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है और 1938 में जो है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जो है ये प्रस्ताव पास हो जाता है कि देसी रियासतों में लोगों द्वारा है स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो चलाया जाना चाहिए, ठीक है। और 1938 के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रजा मंडल, प्रजा के लिए मंडल या प्रजा परिषदों की जो है स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए जो है आंदोलन शुरू किए गए। तो प्रजामंडल की स्थापना से पहले भी मुख्यतः जो बुद्धिजीवी वर्ग थे जो कि जनता को जागृत कर रहे थे, उनके अंदर चेतना लेकर आ रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। ऐसे संगठनों में 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ, 1920 में अखिल भारतीय देसी लोक परिषदों की जो है वो स्थापना हुई, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से जो है क्वेश्चन जो है वो आपके फंस जाता है। कैसे पूछा जाता है कि राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना जो है वो कब होती है? 1919 में जो है वो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है, 1920 में जो है किसकी स्थापना हुई? अखिल भारतीय देसी लोक परिषदों की स्थापना हुई। तो ये लोगों के लिए ही, जनता के लिए जो है ऐसे संगठन जो है वो बनाए जा रहे थे जहां पर इनको राजनीतिक अधिकार मिले, यहां पर जो है प्रजा जो है उसके हक में जो है इनको जो है जो भी अधिकार है इनको मिले, यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सके। इन संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई, तीव्रता आई। प्रजामंडलों की स्थापना, तो प्रजामंडल की स्थापना इसका उद्देश्य वही था, उत्तरदायी शासन की स्थापना, प्रजा की जो है वो पूरी तरीके से भागीदारी राजनीतिक अधिकारों में। तो सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1931 में जयपुर में की गई और इसने जो है राजनीति में प्रवेश जो है वो 1938 में किया, यानी इसकी जो पुनः स्थापना जो यदि हम कहें तो 1938 में हुई। तो यहाँ पर इसके जो संस्थापक जो हैं कर्पूर चंद पाटनी जो हैं, जमनालाल बजाज जो हैं, इनको माना जाता है, ठीक है। उद्देश्य जो है इनका क्या रहा था? जयपुर में जब स्थापना हुई उद्देश्य था समाज सुधार और खादी का प्रचार। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब हुई? 1934 में की गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जय नारायण व्यास जो है इनका नाम आता है और यहाँ पर जो अध्यक्षता करते हैं वो भवनलाल जो सराफ हैं वो करते हैं। कोटा में प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1938 में हुई। पूछा जाता है कोटा में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में की गई। और इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल और अलवर में अलवर प्रजामंडल इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो यहां पर भी याद रखें कि जो कोटा प्रजामंडल है जो कि 1938 में इसकी स्थापना होती है, तो यहां पर जो पंडित नैनूराम शर्मा जो हैं
जो इसके संस्थापक जो है वो रहते हैं, ठीक है, और जो कि राष्ट्रीयता के, कोटा राष्ट्रीयता जो है उसके जनक भी माने जाते हैं। इसके बाद जो हमने बात की अलवर प्रजामंडल की, तो जो हरि नारायण शर्मा जो हैं वो यहाँ इसके संस्थापक जो हैं वो माने जाते हैं। 1939 में भरतपुर में भी इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो भरतपुर में भी स्थापना जो है वह कर दी जाती है, किसकी? प्रजामंडल की। प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद जो है वो 1944 में हुई। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना जो है वो बंबई में की गई, और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना जो है 1936 में की गई। ये पूरा पैराग्राफ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन जो इसी तरीके से एग्जाम में बस पूछे जाते हैं कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, या झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना, या शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना, करौली प्रजामंडल की स्थापना, कोटा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब हुई, संस्थापक कौन रहे, अध्यक्षता किसने की। उसके बाद देखिए जोधपुर में जन आंदोलन, राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जो है वो जोधपुर से प्रारंभ हुआ। जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो जोधपुर आए। उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। दूसरा जो महायुद्ध हुआ उसमें जब अंग्रेजों ने देसी राज्यों में परामर्श किए ही बिना देसी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया, तो मारवाड़ लोक परिषद में इसके विरोध में आवाज उठाई गई। जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना रोष जताते बताते हुए पद से त्यागपत्र दिए, तो जोधपुर के जय नारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो इस वजह से सरकार ने 29 मार्च 1940 को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, और अनेक नेताओं को जो है जेल में डाल दिया गया। छात्रों ने भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, और इनमें प्रमुख थे जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल। इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद फावना को गिरफ्तार कर लिया गया, और नागौर के शिवदयाल दवे को भी गिरफ्तार किया गया, जिसे 7 बार डिक्टेटर बनाया गया। 8वें डिक्टेटर तुलसीदास राठी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया, और इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों को गिरफ्तार कर लिया। तो राजस्थान में यदि बात करें तो जो प्रजामंडल की स्थापना के लिए जो जन आंदोलन हुआ, तो उसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? जोधपुर से हुई, ठीक है। तो वहां 1938 ईस्वी में जो है किसकी स्थापना हुई थी? तो हमने जो है वो पहले पढ़ा था कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। तो उसके जो नेता थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो वो जोधपुर आते हैं और लोगों को कहते हैं कि यहाँ जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ठीक है। लेकिन जो दूसरा महायुद्ध होता है, तो अंग्रेजों ने जो है देसी राज्यों से परामर्श नहीं लिया, और बिना परामर्श लिए जो है उनको जो द्वितीय महायुद्ध हुआ तो उसमें धकेल दिया, ठीक है। तो जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है वो अपना रोष बताया और सभी ने जो है वो त्यागपत्र भी दिए, तो जोधपुर के जो जय नारायण व्यास हैं इन्होंने सलाहकार परिषद से इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो इस वजह से जो है जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो 29 मार्च 1940 को लोक परिषद को जो है वो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने जो है वो उस विरोध में आवाज उठाई थी। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देसी राज्यों से परामर्श नहीं लिया, जनता से कोई राय नहीं ली, और उनको जो है इस युद्ध में धकेल दिया, तो इस वजह से कई लोगों ने जो है त्यागपत्र दिए। तो जहां पर जय नारायण व्यास जो है इन्होंने सलाहकार परिषद से जो है त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है जन आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिया जोरों शोरों से, और यहाँ पर छात्र जो थे उनको भी साथ में ले लिया, उनको कहा कि स्कूल जो है ना जाएं, कोई भी परीक्षा ना दें। तो इस वजह से जो इसके जो लोक परिषद के जो डिक्टेटर थे उनको धीरे धीरे करके जो है वो गिरफ्तार करते चले गए। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी जो है इस आंदोलन में पूरा भाग लिया, जोधपुर जन आंदोलन में। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। शीघ्र जो है भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार जो है पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां जो है वो सड़क पर लेट गईं। क्रुद्ध जनता जो है उसने पुलिस को बुरा भला कहा और उस पर पत्थर फेंके। इनमें रमा देवी हैं, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी, दयावती, रामचंद्र पालीवाल की पत्नी भी शामिल थी।
इससे पूर्व उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया और 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। जनता को जो है भागीदारी मिल सके, कोई भी राजनीतिक कार्य हो उसके लिए ये सारे सारे कार्य जो वह हो रहे थे। ठीक है, प्रजामंडल का उद्देश्य ही यही था। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका ने इस सभा में एक जोशीला भाषण दिया, तो यहाँ पर स्कूल के बच्चे, महिलाएं वो भी पीछे नहीं रहीं। बाद में सार्वजनिक मांग पर 1944 में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई, लेकिन राष्ट्रवादी इनसे जो है संतुष्ट नहीं हुए और अक्टूबर 1946 को डाबरा कांड हुआ, जिसमें डीणवाड़ा के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस कृत्य की जो है तीव्र भर्त्सना की गई, परंतु जोधपुर महाराजा ने जो है इसकी कोई परवाह नहीं की। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह थे, उस वक्त इनका जो है देहांत हो गया। उनके पुत्र जो है हनुमंत सिंह, इनको है गद्दी छीन किया गया। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटचारी को हटा दिया, अपने जमींदारों रिश्तेदारों को मंत्रिमंडल बना लिया और 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा। उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को समझा और 1948 में जय नारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 में जोधपुर बृहत्तर राजस्थान में विलीन हो गया। तो यहाँ पर जो महाराजा उम्मेद सिंह थे जोधपुर के, वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे थे। ठीक है, उसके बाद के जो राजा बनते हैं तो इस चीज को अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहले जो जन आंदोलन हुआ जोधपुर में, उसके बाद देखिए बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे। उन्होंने अपनी योग्यता से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली। उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका, हाई कोर्ट, न्यायपालिका का निर्माण कर सुधारक की भूमिका अदा की, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद का नीति से दबा दिया। तो यहाँ पर बीकानेर जो राज्य था उसको आगे बढ़ाने के ये जो है वो भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन जनता की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो खुद की जो है ख्याति प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। तो व्यवस्थापिका, हाई कोर्ट, नगर पालिका जो है इनका निर्माण करते हैं यहाँ बीकानेर में, लेकिन जन आंदोलन जो है इस पर कोई ध्यान नहीं देते, इसको तो दबाने का प्रयास करते हैं। बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चुरू के स्वामी गोपाल दास जो है वो सर्वप्रथम थे। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास और उसके 8 साथियों को फंसा दिया और जेल में जो है उनको बहुत सारे जो है यातनाएं दी गई। मघाराम वैद्य ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, तो मगाराम वैद्य जो है किसकी स्थापना करते हैं, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। तो स्थापनकर्ता आपको पता चल गए बीकानेर के। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद शार्दुल सिंह राजा बनते हैं। पिता की तरह पुत्र ने भी वही कार्य किया, दमन चक्र चालू रखा, परंतु 1947 के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए और 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका, राज्यसभा और धारासभा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त यानी कि एक राज्यसभा होगी और जहां जनता का शासन होगा, तो वो धारासभा होगी जहां पर जनता जो है वह अपनी बातों को रख सके। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग, हाई कोर्ट का भी गठन हुआ। जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। बीकानेर ने वृहद राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की। लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। कहने को तो इसके अनुसार शासक के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही थी और व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक परिषद को सौंप दिया गया जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी और शासक ने यह भी घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर उनके संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। जनवरी 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सभा में घोषणा की कि नया संविधान जो है स्वीकार करने योग्य नहीं है।
2 फरवरी 1948 को घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार जो है अस्तित्व में आ जाएगी। 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, जिसका कार्य राज्य में दैनिक शासन को जारी रखना था। तो देखिए, प्रजामंडल की स्थापना जो है वह इतने आसान तरीके से नहीं हुई, बहुत सारी जो है यातनाएं लोगों ने सहन की, बहुत सारे कार्य जो है वह किए गए। यह मिला जुला मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सका और प्रजामंडल चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं था। सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जन प्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल भंग कर दिया। केंद्र के दबाव के फलस्वरूप उसे प्रस्तावित चुनाव भी रद्द करने पड़े। अब देखिए, एग्जाम टाइम में हर चीज कैसे याद होती है, इसी तरीके से याद होती है जब हम पूरा पैराग्राफ जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो आगे पीछे की जो लाइनें होती हैं उनसे जो है आंसर जो है वह भी सही किया जा सकता है, क्योंकि हमें जो है पूरी कहानी पता है, ठीक है। तो बुक जो है वो पढ़ना बेहद जरूरी होता है। इसी बीच कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ हो गया। तो यहां पर कैबिनेट योजना, इसके सहयोग से ही अंतरिम सरकार बनती है, ठीक है। और देसी राज्यों को भी संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने को आमंत्रित किया गया। महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय किया। उसने अन्य राज्यों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया और 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के एम पंडिकर, इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। तो याद रखें, यहाँ पर 1947 28 अप्रैल को बीकानेर के प्रतिनिधि कौन है, के एम पंडिकर। तो इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा में जो है अपना स्थान ग्रहण किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई और जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था, भारत पाकिस्तान जो है उनका उल्लेख था। देसी नरेशों के समक्ष अब यह विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहें और भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित हों। तो जिनका मन करे जो है वो भारतीय संघ में शामिल हों और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में सम्मिलित हों। महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय किया, ठीक है। उसके बाद देखें बीकानेर, सबसे पहले जोधपुर, उसके बाद बीकानेर और अब देखिए जैसलमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का नितांत अभाव था। इसका मूल कारण यह था कि जैसलमेर में एक तो जनसंख्या कम थी और इसका अधिकांश भाग जो है वो मरुभाग था, यातायात के साधनों का अभाव था, संचार माध्यम भी वहां विकसित नहीं थे। तो यहाँ के राजा ने जन आकांक्षाओं का जो है अधिक दबा रखा था। तो यही कारण था कि पहला जो समाचार पत्र विजय जो है वो 1920 में प्रारंभ होता है। 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाया और इसके मंत्री को जो है जेल में डाल दिया। सागरमल गोपा जो है वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की, परंतु वे रियासती शासन के आतंक और अत्याचार के शिकार हुए और सागरमल अपनी व्यथा का वृतांत जो है निरंतर जय नारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू को जो है भेजते रहते। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में जलाकर मार डाला। इसके बाद मीठालाल व्यास ने जो है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का क्या किया, साहस किया। तो यहाँ पर जो है स्थापना करते हैं मीठालाल व्यास, लेकिन राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जो है कहाँ की गई, जोधपुर में की गई। 28 मई को जय नारायण व्यास और मीठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। इसके बाद जन भावना को नहीं दबाया जा सका तो अंत में जैसलमेर भी बृहद राजस्थान में शामिल हो गया। तो धीरे धीरे जो है ये एक एक करके जो है जो भी जन आंदोलन हुआ तो ये लोग जो है बृहद राजस्थान में शामिल हो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम मेवाड़ में जन आंदोलन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से जो है एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट का एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या है कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना किसने की और कब हुई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।